दोस्तों मोस्ट वेलकम रहने वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिंघम अगेन को लेकर। आप सभी जानते हैं कि सिंघम अगेन का हाइप भाई जबरदस्त है। बेसिकली रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में फिल्म बनी है। जी हाँ दोस्तों, जिस मल्टी स्टार फिल्म है जिसमें अजय देवगन बेसिकली लीड रोल निभा रहे हैं, वहीं पर अक्षय कुमार का इसके अंदर भाई कैमियो रखा गया है। टाइगर श्रॉफ, बेसिकली दीपिका, दोस्तों अर्जुन कपूर, मल्टी स्टार ये फिल्म है दोस्तों। और रोहित शेट्टी की फिल्म आप सभी जानते हैं कि बेसिकली भाई जबरदस्त एक्शन और फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि रोहित शेट्टी की इस फिल्म के अंदर भाई आपको पता है कि क्लैश होने वाला है। और दोस्तों क्लैश भी किसके साथ होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, कार्तिक आर्यन भी अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 लेके आ रहे हैं, उसके साथ क्लैश होने वाला है। भूल भुलैया 2 ने भाई अच्छा खासा कलेक्शन किया था, बट यहाँ पर दोनों फिल्मों की रिलीज डेट भाई सेम है। जी हाँ दोस्तों, उस वजह से दोनों फिल्मों को लेकर ज़बरदस्त क्लैश था। लेकिन दोस्तों जैसे कुछ समय पहले एक खबर निकल कर आई थी कि सलमान भाईजान, जी हाँ दोस्तों, अपने चुलबुल पांडे सलमान का इस फिल्म अर्थात सिंघम अगेन में भाई कैमियो होगा। जैसे ही खबर निकल कर आई दोस्तों, फिल्म का हाइप 7वें आसमान पे हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चुलबुल पांडे जो करेक्टर था, जहाँ पर सलमान ने चुलबुल पांडे करेक्टर निभाया था अपनी फिल्म दबंग फ्रेंचाइजीज में, भाई उसके बाद आप मान सकते हैं कि भाई को काफ़ी समय से देखा नहीं है। और जब इस फिल्म के अंदर ये बोला गया कि बेसिकली सलमान का कैमियो होगा, तो भाई दोस्तों ये खबर ज़बरदस्त तरीके से वायरल होने लग गई। जी हाँ दोस्तों, और ये बताया जाने लगा कि अब ये फिल्म ज़बरदस्त होगी। और जो कार्तिक आर्यन की फिल्म है दोस्तों, बिल्कुल नहीं टिक पाएगी, क्योंकि यहाँ पर सलमान का भाई कैमियो है और भाई का जो कैमियो होगा तो इस फिल्म को ज़बरदस्त हाइप देगा। लेकिन भाई बहुत ही शॉकिंग खबर दोस्तों निकल कर आज सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली जो खबर निकल कर आई है फिल्म के ऑफिशियल खबर आप मान सकते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, तमाम न्यूज़ पोर्टल हैं, तमाम बॉलीवुड की खबरों को कवर करने वाली जो पोर्टल हैं भाई, उन्हें जो खबर दी है काफ़ी शॉकिंग खबर दी है। जी उन्होंने बताया कि सलमान खान का भाई कैमियो इस फिल्म के अंदर नहीं होगा। दोस्तों ये खबर सुनकर जो फैन है, जो सिंघम अगेन देखने का प्रोग्राम बना रहे थे, बहुत सारी मास ऑडियंस जो सलमान के सिर्फ एक कैमियो को देखने जा रहे थे, उनके लिए भाई काफ़ी दुख भरी खबर है कि यहाँ पर भाई का कैमियो नहीं है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये सिंघम अगेन के अंदर सलमान की एंट्री खबर कहाँ से चली। रोहित शेट्टी ने कुछ समय पहले दोस्तों एक इंटरव्यू दिया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो सलमान को लेकर एक फिल्म बनाएंगे और या उनके जो कोप यूनिवर्स है उसके अंदर सलमान की एंट्री कराएंगे। जैसे भाई रोहित शेट्टी ने ये बात कही, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर ये खबरें तेज़ होने लग गई कि कोप यूनिवर्स के अंदर सलमान की जो एंट्री होने वाली है सबसे पहले वो बेसिकली कैमियो के द्वारा होगी। बट दोस्तों यहाँ पर ये खबर झूठी निकली। सो मुझे लगता है कि जो हाइप है, हालांकि सिंघम अगेन एक एक्शन फिल्म है और अजय देवगन की फिल्म है और पहले 3 पार्ट ने भी अच्छा खासा कलेक्शन किया है, सो इस फिल्म का जो बज़ है ज़बरदस्त बज़ है। लेकिन ये जो खबर है कि सलमान का कैमियो होगा, और अब ये जो खबर है कि सलमान का कैमियो नहीं होगा, उससे मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ जो फैंस हैं उन्हें भाई ठेस लगी है। अगर मैं समझता हूँ कि सलमान का भाई यहाँ पर कैमियो हो जाता तो दोस्तों ये फिल्म ज़बरदस्त कलेक्शन करती। हालांकि ये मान सकते हैं कि भूल भुलैया 3 से क्लैश को कैंसिल करने के लिए की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही जो फिल्म के मेकर्स हैं वो भाई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भूल भुलैया के मेकर्स भी कह चुके हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, और सिंघम अगेन बेसिकली अजय देवगन रोहित शेट्टी भी कह चुके हैं चाहे कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा क्लैश हो जाए, बेसिकली वो अपनी फिल्म को भाई तय समय पर लेके आएंगे। तो दोस्तों बहुत शॉकिंग खबर है कि 2 फिल्में एक साथ टकराएंगे तो बॉलीवुड को नुकसान झेलना पड़ेगा। और सलमान का कैमियो नहीं है तो भाई मैं समझता हूँ कि इससे जो सलमान के फ़ैन हैं और जो लोग सिंघम अगेन सलमान की वजह से देखने का प्रोग्राम बना रहे थे, उनको तो भाई इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी मैं बता देना चाहता हूँ कि इंतज़ार थोड़ा समय के लिए करना पड़ेगा। सलमान खान अभी बिजी हैं अपनी फिल्म सिकंदर को लेकर, जो कि अगले साल भाई धमाल मचाएगी। दोस्तों उसके बारे में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ, लेकिन इस खबर को लेकर आप कितने निराश हैं या दोस्तों आप क्या सोचते हैं, और ये ज़रूर लिखिए आप कमेंट बॉक्स में कि भाई आप सिंघम अगेन देखेंगे या बेसिकली भूल भुलैया 3 देखेंगे। लिखिए भाई कमेंट बॉक्स में।